भारत बनाम बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट, चेन्नई में अश्विन की फिरकी से बांग्लादेश को मिली करारी हार। क्या है इस जीत की असली कहानी? चेन्नई का MA चिदंबरम स्टेडियम, जहां हर क्रिकेटर जहां हर क्रिकेट फैन की निगरानी टिकी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन था और हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या बांग्लादेश की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या भारतीय टीम एक और शानदार जीत दर्ज करेगी। शुरुआत कहां से हुई? भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 376 रन बनाए जिसमें सबसे खास योगदान यहां अश्विन का शतक 113 और रविंद्र जडेजा का शानदार पारी 86। भारतीय टीम के शुरुआत विकेट तेजी से गिरे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली महज 34 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। इस भारत तो क्या भारत क्या भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंच पाएगा या ये टेस्ट बांग्लादेश के लिए आसान साबित होगा? यहीं से कहानी में आया रोमांच। ऋषभ पंत और अश्विन ने पारी को संभाला और बाद में अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की कमर तोड़ के रख दी। क्या बांग्लादेश टिक पाएगा? बांग्लादेश की पहली पारी में टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के सामने वह मैच 149 रनों पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने अपने घातक स्पेल में 4 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज, जडेजा और आकाशदीप के बाकी बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा। बांग्लादेश के कप्तान नजीमुल हुसैन, शांतो और शाकिब अल हसन ने कोशिश तो की, लेकिन क्या उनकी कोशिश इस मजबूत भारतीय टीम के सामने टिक पाएगी? जवाब था नहीं। ओके, दूसरी पारी में भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी। भारत ने दूसरी पारी में 287 रन पर अपनी पारी घोषित की। शुभमन गिल 119 रन नाबाद और ऋषभ पंत 109 रन के शानदार शतक जड़े। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 167 जिसको कहते हैं 167 रनों की साझेदारी हुई। क्या बांग्लादेश की गेंदबाजी इस आक्रमण को रोक सकती है? जाहिर है नहीं। बांग्लादेश का संघर्ष 515 रनों का विशाल लक्ष्य और सामने थी अश्विन जडेजा की जोड़ी। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने एक समय संघर्ष किया, खासकर शांतो 82 रन और शाकिब 32 ने भारतीय गेंदबाजों को डटकर सामना किया, लेकिन क्या यह संघर्ष जीत दिला सकता है? अश्विन ने बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी पारी में 6 विकेट लेते हुए उन्होंने मैच को पूरी तरह भारत के पाले में डाल के रख दिया। अश्विन का कमाल क्या है रहस्य? अश्विन ने न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाया। 133 गेंदों में 113 रन की उनकी शतकीय पारी ने भारत को एक मजबूत आधार दिया। इसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए वे मशहूर हैं। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को एक एक करके पवेलियन की राह दिखाया। 37 बार 5 विकेट हॉल और एक बार फिर अश्विन ने साबित करके दिखाया कि जब बात टेस्ट क्रिकेट की हो तो वे किसी भी स्थिति में खेल का पासा पलट सकते हैं। भारत की शानदार जीत क्या था निर्णायक मोड़? भारत की इस 280 रन की जीत में कई पल ऐसे थे जहां बांग्लादेश की उम्मीदें अधूरी सी जगी, लेकिन क्या उन्होंने उसे भुना पाया? अश्विन का स्पेल और जडेजा का फिनिशिंग ने बांग्लादेश की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। जैसे ही अश्विन ने अपने 5 विकेट पूरे किए, बांग्लादेश की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। क्या कहती है यह जीत भारत के लिए? यह जीत भारत के लिए एक और गौरवशाली पल साबित हुई। पहले दिन मुश्किलों में घिरी टीम ने कैसे वापसी की यह देखना वाकई रोमांचक था। अश्विन का शतक, बुमराह की घातक गेंदबाजी और फिर अश्विन का स्पिन आक्रमण, इस मैच में सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। बांग्लादेश के लिए यह हार केवल न एक टेस्ट मैच बांग्लादेश के लिए यह हार केवल एक टेस्ट मैच नहीं बल्कि उनके खेल में सुधार के लिए पहलुओं को उजागर करती है। अब सवाल है, क्या बांग्लादेश अगले टेस्ट में कोई चमत्कार कर पाएगी या फिर भारत इसी लय में आगे बढ़ते हुए टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करेगा? तो इस तरह के न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे क्रिकेट चैनल जिसका नाम है क्रिकेट इज इन आवर ब्लड, द शुभम साली शो के साथ जुड़े रहें और पाएं इस तरह का न्यूज़ बेफिक्र अंदाज से। मैं हूं आपका दोस्त शुभम साली, सो स्टे ट्यून्ड विद माय ऑन क्रिएटिविटी, स्पेशली इन न्यूज़ रिपोर्टिंग इन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो यार।